राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे दो नोटिफिकेशन आया है, एक एसीजेएम का है और एक डीजे कैडर का है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड इवनिंग। आज राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे दो नोटिफिकेशन आया है, एक एसीजेएम का है और एक डीजे कैडर का है। तो दोनों नोटिफिकेशन की बात करेंगे और इससे आरजीएस की वैकेंसी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, और इससे रिलेटेड भी बात करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना, विदाउट स्किप करके देखना, आरजीएस की वैकेंसी कब तक आ सकती है उस पर ही बात करेंगे। और मैंने पता करने के लिए बोल रखा है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो वीडियो बना दूंगा मैं, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लो तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और बेल आइकन भी दबा देना। अब बात करते हैं दो नोटिफिकेशन। पहला नोटिफिकेशन खोलता हूं मैं, लगा भी दूंगा आपके साइड में शो कर जाएगा। देखो, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर नोटिफिकेशन 21/4/2023 का है और ये है 66 वैकेंसी फॉर सीनियर सिविल जज कैडर। मतलब 2023 और 2024 तक, मतलब जो 2023 में इन्होंने नोटिफाई करी है 66 वैकेंसी, मतलब 60+6 वैकेंसी नोटिफाई करी है सीनियर सिविल जज कैडर के लिए। ये वैकेंसी का पेपर नहीं होगा, ये प्रमोशन से ही होगा। जब ये प्रमोशन से होगा तो नीचे वैकेंसी क्रिएट होगी, तो आरजीएस में बिल्कुल फर्क पड़ता है, नई पोस्ट क्रिएट होती है। जब प्रमोशन होता है तो ऑटोमेटिक नई पोस्ट क्रिएट होती है, और राजस्थान में 19 नई डिस्ट्रिक्ट बनी है, तो इसके कारण काफी एसीजेएम कोर्ट भी बनेंगे, प्रिंसिपल डीजे भी अपॉइंट होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें अपन, तो देखो इसमें 66 सिविल जज सीनियर डिवीजन के प्रमोशन होंगे, तो नीचे ही पोस्ट क्रिएट होंगी। और सेकंड नोटिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट जज का है, उसमें भी वैकेंसी बताई है, नोटिफाई हुई है, तो वो नोटिफिकेशन भी आपको लगा दूंगा, आपको शो हो रहा होगा। और आपको ये नोटिफिकेशन देखना है तो राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पर जाके आप लोग देख सकते हैं, वहां पे अपलोड है, इजिली देख सकते हो। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर नोटिफिकेशन ये भी 21/4/2023 आज ही आया है, और ये डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के लिए है, ये भी नोटिफाई की गई है वैकेंसी 2023 से 24 तक की, और इसमें वैकेंसी है 149 वैकेंसी है। तो 149 डीजे, मतलब मैंने पहले भी बोला था आपको कि एडीजे और आरजेएस का पेपर होगा, डीजे कैडर के लिए भी पेपर होगा और आरजेएस का ही पेपर होगा, और पहले कौन सा होता है ये डिपेंड करता है राजस्थान हाईकोर्ट के ऊपर, पर दोनों पेपर एक साथ नहीं होंगे, आगे पीछे होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट का आप देखोगे ना पहले के रिकॉर्ड, एक टाइम पे एक ही पेपर कंडक्ट कराते हैं, जैसे अभी उन्होंने एलडीसी का पेपर कंडक्ट कराया, उसका रिजल्ट आने वाला है, तो एलडीसी का रिजल्ट भी कभी भी आ सकता है। तो अब ये किसी ना किसी पेपर को लेंगे, प्यौन की भर्ती इन्होंने भेज दी है, प्यौन की जो भर्ती होती है हाईकोर्ट में, उसका पेपर हाईकोर्ट नहीं करा रहा, तो अब ये एडीजे या आरजेएस का पेपर ही कंडक्ट कराएंगे। तो कौन सा पेपर कंडक्ट कराते हैं इनके ऊपर है, और डीजे डिस्ट्रिक्ट जज कैडर की 149 वैकेंसी नोटिफाई हुई है 2023 से 2024 तक। जैसे पहले नोटिफिकेशन आया था ना आरजेएस का, नोटिफाई कर दी थी 2023 से 2024 तक कितनी वैकेंसी है, तो 140 करीब था शायद लास्ट वाला, मुझे ध्यान नहीं है, आप लोग कमेंट कर देना कितनी थी, 140 करीब ही थी शायद। तो ये ऐसे ये वैकेंसी नोटिफाई हुई है। अब इससे आरजेएस पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ता है। देखो, एक साथ, पहली बात, एक साथ पेपर नहीं होगा कोई सा भी, यानी कि आरजेएस का हो रहा है, डीजे का भी एक साथ पेपर हो रहा है, या तो पहले एडीजे का कराएंगे प्री या आरजेएस का प्री कराएंगे। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है किसका कराएंगे। पहले वैसे वैकेंसी तो नोटिफाई आरजेएस की करी है इन्होंने, फिर एडीजे की करी है, और पिछली बार जो पिछले साल था, पहले एडीजे का प्री हुआ था फिर आरजेएस का प्री हुआ था। पिछली बार का अगर पैटर्न देखोगे ना, तो पिछली बार एडीजे का प्री पहले हुआ था फिर आरजेएस का हुआ था, और प्री के टाइम में, मतलब एडीजे का पेपर तो बहुत लंबा खींच दिया था इन्होंने, और पास भी 3-4 ही करे हैं, ज्यादा पास भी नहीं हुए थे, क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। तो ये है, हाँ, तो देखो वैकेंसी तो आरजेएस की आएंगी, एडीजे की भी आएंगी इस साथ, तो आप लोग अपनी तैयारी चालू रखें। जो हायर जुडिशरी की दे रहे हैं वो उनको हायर जुडिशरी का देना चाहिए, जो अपने जैसे है जो आरजेएस का देंगे बिल्कुल वैकेंसी आएंगी। और मैंने पहले ही बोला है अप्रैल मई में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है वैकेंसी, और पेपर सितंबर या अक्टूबर के आसपास हो सकता है प्री आरजेएस का। और एक बार ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, मैंने पता करने के लिए बोला है, जितनी जल्दी मतलब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मैं वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग मतलब इस चैनल से बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भी मैंने 13 से 14 स्टेट कवर कर रखे हैं, सिविल जज की क्या फैसिलिटी, क्या सुविधा मिलती है, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उन वीडियो को भी एंजॉय करें।
फिर भी कोई क्वेश्चन है मन में, इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, आप लोग फॉलो कर ले, मुझे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।